नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार के मऊ से गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 21 महिला थाने की SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मई 2022 को थाने में एक युवती ने युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर और शारीरिक संबंध बनाकर भाग जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए युवक की तलाश शुरू कर दी थी। महिला थाना SHO ने बताया कि युवक को पता चल गया था कि युवती ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। इससे बचने के लिए वो बिहार भाग गया था। इसके बाद तलाश करते हुए युवक को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब युवक को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। मैडम, बड़ी सफलता मिली है, मुजरिम को पकड़ के बिहार से लाए हैं, क्या पूरा मामला था? देखिए, यहाँ पर AC नगर में जो ये हमारी विक्टिम यहाँ रहती है अपने मम्मी पापा के साथ, पीछे से ये बिहार की रहने वाली है। तो इस लड़की ने बताया, पुलिस को आके बताया कि मेरे साथ ये लड़का जो है शुभम नाम का लड़का, यहाँ पर उसको शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाता रहा और उसको पूरा वादा करता रहा कि मैं शादी करूँगा और ये भी पीछे से बिहार का ही रहने वाला है। लेकिन एक दिन जब लड़की ने इस पर ज़्यादा फोर्स किया कि भाई शादी कर लो, हमारी उम्र भी है, तो ये बिना बताए लड़की को और अपने गांव भाग गया और अपना नंबर भी जो है वो स्विच ऑफ कर लिया। लड़की ने काफ़ी एफर्ट किए लेकिन ये किसी भी तरह से उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो लड़की ने कहा कि वो मतलब उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना के और शादी का झांसा देकर बनाए हैं और आज मुझे धोखा देकर वो भाग गया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसकी इसी इन्फॉर्मेशन पर हमने मुकदमा दर्ज किया। कितने साल का रिलेशन था? इनका 1 साल से रिलेशन है। 1 साल का रिलेशन है जी। तो कंप्लेंट कब दी लड़की ने? ये हमारा मुकदमा, ये लड़की 2/5 को यहाँ पर आई थी, 2/5/2022 को, और जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन दी हमने तुरंत प्रभाव से इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जी। तो लड़के को पकड़ कहाँ से पकड़ा, कितनी मेहनत लगी? देखिए, ये पिछले 1 महीने से लड़का फरार है क्योंकि जैसे ही इसको पता, पहले से ही भाग गया था ये, लेकिन हमने जैसे इसका पीछा किया, इसका रिश्तेदारों का पता किया, तो नोएडा में इसकी एक बार हमें लोकेशन मिली तो इसको पता लग चुका था कि मेरे खिलाफ़ मुकदमा हो गया, तो ये वहाँ से भी अपना जो मोबाइल है स्विच ऑफ करके और अपने गाँव चला गया और इसको महुआ से गिरफ्तार किया है। लड़का नौकरी का कहाँ करता है, क्या काम करता है? ये लड़का यहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था जो कि इसी लड़की ने लगवाई थी जी। तो आगामी कार्रवाई क्या करेगी? इसमें आगामी कार्रवाई लड़के को गिरफ्तार करके और जो भी और अधिक हम साक्ष्य इसमें इकट्ठा करके और इसका जल्द से जल्द हम चलान दे देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।